भिंड से प्रत्याशियों को पुलिस प्रशासन द्वारा नजरबंद किया गया है। दरअसल नजरबंद होने वाले नेताओं में भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह, बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह और समाजवादी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह शामिल हैं, जिनको नजरबंद करते हुए सर्किट हाउस में सुरक्षा की दृष्टि से बिठा लिया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक रोडोल्फ अल्वेरेस का कहना है कि मीटिंग के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। भिंड से अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट। बल्लाटेर भाजपा प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं, अभी हमारा वरिष्ठ अधिकारी, हमारे तरफ से एक मीटिंग चल रहा है, मीटिंग से हम लोग उनके तरफ से कोई मैसेज है, शिकायत वगैरह प्राप्त होता है, मतलब हम लोग तुरंत हमारा टीम भी हम लोग भेज देंगे। मीटिंग कितनी देर तक की रहेगी, ये शाम तक? ये मीटिंग के आधार पर हम मीटिंग बताएंगे, एंड कोई भी चीज़ है हम लोग एक विशेष गाड़ी व्यवस्था वगैरह करेंगे, उनको कोई शिकायत है मतलब हम लोग साथ में लेके जाके उनको बता देंगे। पांचों विधानसभा सीट के प्रत्याशियों को बिठाया जाएगा साथ में? नहीं, हम लोग अभी कहाँ कहाँ शिकायत वगैरह प्राप्त होता है तो उसी के आधार पर हम लोग कोई भी कोई शिकायत प्राप्त हो उनके तरफ से कोई मन में रहता है, कुछ भी शिकायत आता है तो हर शिकायत तो मैं अभी एक एक चीज में अभी पता नहीं है, बट कोई भी शिकायत आता है मतलब हमको अवगत करा दीजिए और हम लोग जाके उसको तत्काल निराकरण। तो कहाँ, सर्किट हाउस में बैठा लगा था? अभी सर्किट हाउस में मीटिंग चालू होने वाला है तो बात करें।